द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दस्तक लगाएगी जेई और एईएस पर लगाम, जिलाधिकारी ने कहा योजना का शुभारंभ करने आ सकते हैं मुख्यमंत्री। थाना परिसर में पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों के जमावड़े का होगा निस्तारण, एसएसपी शलम माथुर ने सभी थानाध्यक्षों को दिए निर्देश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन। मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई गीडा की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 10 सूत्री मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। नगर निगम के सभागार में दस्तक योजना के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला, साफ सफाई पर दिया गया जोर। क्विक रिस्पांस टीम को बनाया जाएगा प्रभावी, एसएसपी शलम माथुर ने दी जानकारी, गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेलबींग रिसोर्स विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। 5 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा की लगभग 90,000 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य नेहरू इंटर कॉलेज में हुआ पूरा। नहीं माने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मी, कहा यह जनता की लड़ाई है, प्रदर्शन के 6वें दिन उतरे सड़क पर। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में लखनऊ हॉस्टल ने यूको बैंक सहारनपुर को 5-1 से और सीमा सुरक्षा बल ने स्पोर्ट्स कॉलेज को 1-0 से हराकर फाइनल में पहुंची। और ट्रायंगल सीरीज T20 क्रिकेट के पहले मैच में नेपाल ए ने नासा केएस टैलेंट को 26 रनों से हराया।